हेलो किसान भाई, आप लोग देख रहे हैं ये धान की खेती में किस तरह से खैरा रोग जो बोलते हैं लगा हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ लोग इसे झुलसा रोग भी बोलते हैं, खैरा रोग भी बोलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो पत्ती जो है सड़ चुकी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कीड़े भी लगे हुए हैं जो कि फंगिसाइड कीड़े हैं जो हमारे पत्तियों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते हैं। आप लोग देख रहे हैं नुकसान पहुँचाते हैं किसान भाइयों की, जो पूरा पत्ती होती पूरी तरीके से सूख जाती है और सूखने के बाद में ऐसे ही नीचे तरफ जो झुक जाती है, जो कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में किस तरीके से जो पत्ती जो है पीली होने के बाद में, ढप्पा होने के बाद में जो है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लटक गई है। ये लटकने से दोस्तों किसान भाइयों बहुत ही हानि होता है फसल को, उसमें जो है कम ही पैदावार होता है। इसके लिए हम आपको एक दवा स्प्रे करने के लिए जा रहे हैं, आप लोग को इस वीडियो में बने रहें तो आप लोग को दवा के बारे में बता रहे हैं। किसान भाई आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये टंकी है जो कि 16 लीटर पानी की जो है टंकी रहती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है पहले थोड़ा सा दवा डाला जाएगा। ये दवा देखो आप लोग देख रहे हैं, ये दवा दोस्तों हेक्साकोनाजोल 5% जो कि जोहू कंपनी का है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये दवा डाला गया है। यहाँ पर दवा डालने के बाद में किसान भाई इसमें पानी भी डाला जाएगा, इसके लिए आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। अभी दवा डाल रहे हैं, इससे क्या होता है किसान भाई जो आपके खेत में जो पत्ती है जो झुलसा रोग है वो सभी प्रकार के जो कीड़े मकोड़े रहते हैं सभी जो है कीड़े नष्ट हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पर साथ में किसान भाइयों कीड़े की दवा भी छिड़का जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये बुलेट के नाम से है, ये है प्रोफोनोफास है जो कि बुलेट के नाम से अलर्ट कंपनी का है, जो कि आप लोग के सामने देखो यहाँ पर डाला जा रहा है दवा। इसे आपके सामने हम खेत में भी छिड़कवाएंगे, जो खेत में पड़ेगा उसका रिजल्ट भी आप लोग सामने आएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से डिब्बी को जो धोया जा रहा है ताकि जो डिब्बी में दवा रहता है वो जो पूरी तरीके से निकल जाए। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से धोया जा रहा है। इसके बाद किसान भाइयों इसमें जो है दवा डाला जाएगा। किसान भाई यहाँ पर देख सकते हैं ये है हेक्साकोनाजोल जो कि ये दवा भी डाला गया है। ये जो काम क्या करता है किसान भाइयों, जो आपकी पत्ती जो सड़ रहे हैं जो धप्पा पड़ जा रहा है इसके लिए है ये दवा है, क्योंकि इसको भी इसी तरीके से मिलाया जा रहा है ताकि सही प्रकार से जो डिब्बी में दवा होती है उस पूरी तरीके से निकल जाए। इसलिए हम बार बार इसको नपाई कर रहे हैं क्योंकि वो सही से जो है जिसमें दवा रहता है वो निकल जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है प्रोफोनोफास जो कि हमने बताया है, इसको किसान भाइयों ज़रूर डलवाइएगा। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हेक्साकोनाजोल है जो कि जूहू कंपनी का है। किसान भाइयों एक बीघे में ये 100 ग्राम का है, एक बीघे में पड़ेगा। और साथ में जो है प्रोफोनोफास जो हमने अभी बताया बुलेट के नाम से, वो भी जो मिलाकर जो है दोनों एक ही साथ में जो है एक बीघे में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गुलाई चालू है, कुछ मतलब जो गलता नहीं है इसलिए गुलाई चालू है। यहाँ पर यहाँ से देखते हैं आप लोग मशीन की स्टार्ट करके जो हमने जो वहाँ पर ढक्कन पर दवा लगा था उसको भी धो दे रहे हैं ताकि खूब अच्छी तरीके से मिल जाए। यहाँ पर पानी डाला जा रहा है, अब पानी फुल होने के बाद किसान भाइयों इसको जो है स्प्रे किया जाएगा। तो वो आप लोग को बताएँगे, हम जिस खेत में छिड़केंगे उस खेत को हम आप लोगों को बताएँगे और दिखाएँगे भी। तो किसान भाई आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर दवा का स्प्रे होने लगा है, जो भी हमारे खेत में जो फंगिसाइड है जो झुलसा रोग है वो जड़ के सतह से ही दिखते हैं, ऊपर की तरफ दिखते नहीं हैं। तो जो जड़ के सतह पर हैं उस पर जो जाकर जो है ये काम करेगा। सुबह के टाइम जो किसान भाई दवा छिड़का जा रहा है एकदम सुबह में, जब सुबह में छोड़ते हैं तो पत्तियों पर जो शीत रहता है पानी रहता है उसी की सहायता से पूरा पौधा जो है भीग जाता है। और भीगने के बाद में जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगता है किसान भाइयों। तो आप लोग को हम बता दें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पत्ता सड़ा हुआ है। किसान भाई आप लोग देख सकते हैं इस धान में जो है तनछेदक कीड़े लग चुके हैं, जो कि तनछेदक कीड़े जो होते हैं बहुत ही नुकसान पहुँचा देते हैं। ये जो है किसान भाइयों जो गधेला नामक कीड़े होते हैं जो हमारे धान के जड़ में ही लगते हैं। जड़ में लगने से किसान भाइयों जो हमारे पूरे पौधे की जो सिंकी होती है वो पूरी तरीके से जो सूख जाती है। सूखने से दोस्तों किसान भाइयों हमारी फसल पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से जो कीड़े काटे हुए हैं। इसके लिए दोस्तों किसान भाइयों हमने जो है प्रोफोनोफास का उपयोग किया है, जो आपको हमने बताया है जो बुलेट के नाम से, वही जो कीड़े की दवा है जो कि इसमें काम करेगा। और आप लोगों को आगे भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी इसी प्रकार के जो है सड़ुआ लग गया है, जो कि जो पूरे पौधे में जो है सड़ जा रहा है। इससे हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
साथ में किसान भाइयों, आपके जो है खेत में पानी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपके खेत में पानी रहेगा तभी इसका बढ़िया रिजल्ट मिल पाएगा आप लोगों को। अगर पानी नहीं है फिर भी तब भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जो कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं किस प्रकार से जो है पत्ती जो सड़ी हुई है, किसान भाई इसका रिजल्ट जो है आपको 10 से 15 दिन में मिल जाएगा। इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में भी बता सकते हैं इसका रिजल्ट कैसा था कैसा नहीं है। तो आपको किसान भाई अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।